राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्काजी खरगोन के कसरावत पहुंचे, जहां उनका ग्राम माकड़खेड़ा में किसानों ने निमाड़ी साफा बांधकर स्वागत किया। दरअसल शिव कुमार शर्मा कृषि कानून के विरोध में किसानों से समर्थन की अपील करने पहुंचे थे। इस दौरान शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने कहा कि देश में किसानों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि इस लड़ाई को किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बड़ा सौभाग्यशाली का दिन था हमारा कि आज भारतीय किसान मजदूर संघ के शिव कुमार जी कक्का जी आज हमारे बीच में प्रथम आगमन उनका हुआ, तो आज हम लोगों ने उनका स्वागत किया। और निश्चित रूप से वो हमारी किसान भाइयों की जो लड़ाई है उसको बहुत अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल पूरे गाँव के पूरे क्षेत्र के लोग उनके साथ में हैं। जब तक ये तीन काले कानून के ऊपर कुछ संयुक्त हो समझौता नहीं होता है, जब तक या तो कम से कम MSP के ऊपर तो पूरी चर्चा होना चाहिए, जब भी किसानों का हित मजबूत होगा किसान मजबूत होगा। किसान को समर्थन मूल्य पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार ने हमसे समय मांगा 4 दिन, कक्का जी हम 4 दिन बाद तैयारी से आएंगे, वित्त विभाग और कॉमर्स विभाग की इसमें हमको राय लेना आवश्यक होती है। उसके बाद फिर से इसको उठाया गया तो उनकी तैयारी नहीं हो पाई और 12 राउंड में MSP पर गंभीर चर्चा नहीं हो पाई। भाषण कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आंदोलन चलेगा जितना लंबा चलना होगा, झुकेंगे नहीं। अगर 2024 तक भी आंदोलन को चला पाया तो वही तैयारी के लिए खरगोन जिले के किसानों का मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ कि देश में जो भारत की लड़ाई है इसमें प्रत्येक किसान की भागीदारी होना चाहिए। ये हमारी फसलों और आने वाली नस्लों को बचाने का गांधीवादी आंदोलन। धन्यवाद।